gone. He looked a dead duck. So with Patel. Absolutely magnificent. Tony finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. पुष्कर के गौतम आश्रम के पास सोमवार को एक युवक ने कपड़ा व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यापारी को इलाज के लिए जेलन अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के पीछे पालिका चुनाव का साया बताया जा रहा है। हिम्मत सिंह नामक युवक ने कपड़ा व्यवसायी रामजतन चौधरी पर जानलेवा हमला किया है। घायल व्यापारी ने पुलिस को बताया कि पालिका चुनाव के बाद से ही हिम्मत सिंह उससे रंजिश पाले हुए था। पीड़ित के अनुसार वह अपनी गाड़ी खड़ी कर अपने प्रतिष्ठान की तरफ जा रहा था, तभी सामने से स्कॉर्पियो कार में सवार हिम्मत सिंह ने उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे वह मौके पर गिर गया। इसके बाद हिम्मत सिंह ने अपनी गाड़ी में रखे सरिये से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमेशा वहीं करता हूँ खड़ी, और फिर दुकान पे रहा था मैं। सूर्या धर्मशाला के सामने मेरी दुकान है, तो दिलीप बाबू की फैक्ट्री के सामने मैं जो ही पैदल घूम रहा था, उधर से हिम्मत सिंह बाजार से जा रहा था अपनी स्कॉर्पियो लेकर के। तो स्कॉर्पियो ने मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, मैं एक दो कदम पीछे हटा तो स्कॉर्पियो एकदम ही ऊपर आ गई, तो मैं पीछे गिर गया यूँ। और फिर उसने गाड़ी, मैं बिल्कुल जमीन पर यूँ गिर गया, मेरा स्यापा भी गिर गया। फिर उसने गाड़ी को रोक करके अंदर से ही सरिया निकाला, मैं देख रहा था, और सरियों से मेरे दोनों पैरों पर हमला कर दिया। मैं तो उनसे कोई द्वेषता नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे से द्वेषता रखते हैं। और अभी भी जो नगरपालिका के चुनाव हुए थे, मैं तो बिल्कुल मैं तो एक व्यापारी आदमी हूं या पुष्कर, मैं तो साइलेंट ही था, लेकिन हो सकता है ये चुनावी उसके कुछ दुर्भावना है। और जैसे कि हम सुनते हैं वो परिवार झगड़ालू है, पहले भी झगड़ा किया था, तो वो चुनावी रंजिश रखता होगा। व्यापारी के परिजनों ने रामजतन को घायल अवस्था में पुष्कर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंची और सरिये को जब्त कर लिया। पुलिस को दिए गए बयानों में चौधरी ने बताया कि हमलावर हमले के बाद उसके पास से 2,20,000 रूपए, एटीएम कार्ड और जमीन के कागजात लेकर भाग गया। पुलिस ने घायल चौधरी का मेडिकल मुआयना कराकर जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है। मेरे पास एक बैग था, फिर उसने मेरे ऊपर सरियों से हमला कर दिया। मेरे पास एक हाथ मेरा बैग था, मैं 8 दिन से छुट्टियां मना करके आज ही आ रहा था, आया ही हूँ आज सुबह। बैग में मेरे सर 2,20,000 रुपए थे, और मेरे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स थे, और मेरा एटीएम कार्ड था। उसने मेरे हाथ से यूं, वो बैग का जो वो रहता ना डस, वो मेरे हाथ में यूं थी, और फिर मेरे हाथ से झटका दे करके उसने वो बैग छीन लिया मेरा। और फिर मेरे को धमकी थी कि चुपचाप रहना, मुझे गाली भी निकाली जो कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। और उसने कहा कि कभी किसी को भी मत कहना ना रिपोर्ट करना, आगे आगे भी मैंने गोलियां चलाई है, भेजा उड़ा दूंगा मैं। अब तो कार्रवाई, मैं यहाँ हॉस्पिटल में आ गया, इलाज करवाऊंगा, जो पुलिस अपनी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी वो करेगी सब। रामजतन चौधरी है, इसके साथ मारपीट हिम्मत सिंह राजपूत ने की है, इनका कोई पुराना चुनावी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। अब इसके बारे में ये आए हैं, इनके पैरों में चोट है, तो जानलेवा हमला का प्रथम दृष्टया मामला अपन दर्ज करके और तफ्तीश करेंगे, जैसे मामला होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।